ओम सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गुजमे संत शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठिन्नरा सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों का योग आयोग अगस्त के मध्य भाग में किस प्रकार का है ये आपको समझना चाहिए। देखिए, अगस्त में कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बना। सूर्य सबसे इंपॉर्टेंट प्रभाव जो उत्पन्न करने वाले हैं आपके लग्न से निकलकर आपके परिवर्तन का योग बना रहे हैं, द्वितीय भाव में जाने वाले हैं। इच्छाधारी योग बनने की आपकी कुंडली में योग दिखाई देते हैं। और समझ लीजिए, यदि इस समय में आपने कुछ अच्छा पॉजिटिव सोचा तो वो आपके साथ घट सकता है। तो ऐसा कुछ खास योग आपकी राशि के अनुसार से बनकर तैयार हो रहा है। साथ साथ इस समय में कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बनेगा। बृहस्पति और मंगल जिस प्रकार की युति बनाकर बैठे हुए थे पूरे विश्व में, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उठापटक का योग बना रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं शांति का वातावरण बन सकता है। क्यों? क्योंकि मंगल बृहस्पति की युति में बृहस्पति अब जो है वो मंगल से पीछे रह जाएंगे अंशों के अंदर। इसी अगस्त के मध्यकाल में ये ग्रहों का योग आयोग बनने वाला है। तो आपकी राशि के अनुसार से ग्रहों का योग क्या कहता है समझ लीजिए। 11 अगस्त की यदि हम बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर सप्तमी तिथि है और तुला राशि में चंद्रमा का प्रवेश होता दिखाई दे रहा है उस दिन। और बुध उस दिन अस्त होने जा रहे हैं शाम को करीब करीब 6:05 पर। ये जो ग्रहों का परिवर्तन है ये आप समझिए कि जिस प्रकार से योग बन रहा है आपके लिए अच्छा योग दिखाई देता है और स्थितियों में आपके लिए इम्प्रूवमेंट के योग बनते दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात जो है आपको बस थोड़े दिन इस बात का ध्यान रखना है कि एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। सूर्य लग्न में चलते हुए इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से अननेसेसरी कई मामलों में थोड़ा सा एग्रेसिवनेस आपके अंदर दे रहे हैं। थोड़ा सा एग्रेसिवपना आपके अंदर, थोड़ा उतावलापना ज़्यादा हो सकता है, उसको शांत करने का आपको प्रयास करना चाहिए। रविवार है, सूर्य को जल दीजिए, इससे श्रेष्ठ उपाय क्या होगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए करना चाहिए काम आपको। 12 अगस्त की हम बात करें तो उस दिन सोमवार का अवसर सप्तमी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है, लेकिन थोड़ी देर है, उसके बाद अष्टमी आ जाएगी तो दुर्गा अष्टमी का सुंदर योग बन जाएगा। और साथ साथ सोमवार का योग बन रहा है, सावन का चतुर्थ सोमवार का योग बन गया है। इस बार सावन बहुत खास होकर आया है, 5 सोमवार का योग लेकर आया है। और ये सोमवार का योग जो होता है ना, समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाला योग होता है। चंद्रमा इस वक्त तुला राशि में चल रहे हैं, थोड़ा सा आपको हर चीज़ में लगता है कि बैलेंस करते हुए, मेंटेन करते हुए चीज़ों को चलना चाहिए। इस बात को समझना चाहिए कि सामने वाले स्थिति में हमको सामने वाले को भी सोचते हुए करने का प्रयास करना चाहिए काम। ये नहीं कि हम अपनी स्थिति से सोचने का प्रयास करें, सामने वाले को भी तराजू में रख के तोलने का हमको प्रयास करना चाहिए, तब चीज़ें ठीक हो पाएंगी। दुर्गाष्टमी का सुंदर योग है, सावन का चतुर्थ सोमवार का योग है, तो कोशिश करें भगवान का सुंदर स्तवन करें, रुद्राभिषेक करें, वो अच्छा रहेगा। भद्रा का योग चल रहा है जो सुबह 7:55 से लेकर रात्रि में करीब करीब 9:45 तक रहेगा, तो नया कार्य आरंभ करने से बचना चाहिए, नए प्रोजेक्ट्स हाथ में लेने से बचने चाहिए। इस तरह का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। और सावन का सोमवार है तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में चतुर्थ सोमवार पर बड़ा विशाल रुद्राभिषेक भगवान का रखा है, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से करा सकते हैं। देखिए, इस वक्त शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से जहां चल रहे हैं वो सफलता में बाधा देने के योग दे रहे हैं, तो कोशिश करें शनि को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर का तिलाभिषेक करने का प्रयास कीजिए, उससे कष्ट दूर होंगे और शनि भी अनुकूल होंगे आपकी राशि के अनुसार से। बात कर लेते हैं 13 तारीख की, 13 अगस्त मंगलवार का अवसर, वृश्चिक में सुबह सुबह करीब करीब 6:10 पर चंद्रमा परिवर्तन की तरफ योग बना रहे हैं। रवि योग नाम का योग बनता दिखाई दे रहा है जो करीब करीब 11:45 से आरंभ होगा और ये कोई नया कार्य आरंभ करने के लिए सुंदर वातावरण बनाता दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से आपकी राशि में योग है, लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं आने वाले 3 दिनों में। विशेष तौर पर चंद्रमा बृहस्पति का जो सुंदर संबंध बना है ये कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ का मार्ग, आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में हनुमान जी का सुंदर स्तवन कर कार्यों को आरंभ करें, हिम्मत जगाएं। मंगल भी इन दिनों बड़ी स्पीड से बृहस्पति के बिल्कुल सन्निकट पहुँचता दिखाई दे रहा है।
लेकिन सूर्य आपका लगातार इस वक्त जो चल रहा है वो अननेसेसरी थोड़ा सा शांत होकर नमक का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा, ये करें तो अच्छा है। 4 तारीख के दिन बात करें तो उस दिन बुधवार का अवसर, नवमी तिथि है, सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है जो करीब करीब दोपहर को 12:12 तक रहेगा। उसके बाद विशेष तौर पर समझें राहुकाल आरंभ हो जाएगा, तो यदि कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो 12:12 से पहले पहले उसके सहयोग का लाभ लेते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। ग्रह नक्षत्र आपके लिए अनुकूल स्थिति में है, बृहस्पति महाराज आपकी राशि में इस वक्त जो दिखाई दे रहे हैं चंद्रमा के साथ मिलकर लाभ का योग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में हरी चीज़ों का दान करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। बुध जो अस्त चल रहे हैं उसके लिए एक बात ध्यान रखें, कोशिश ये करें आप विशेष तौर पर पालक लेकर गाय को खिलाएंगे तो ये बुध का उपाय अच्छा रहेगा। बुध अस्त होने की वजह से थोड़ी समस्याएं हो जाती हैं, कन्या पूजन करना भी श्रेष्ठ उपाय दिखाई देता है, उसको करके लाभ ले सकते हैं। बात कर लेते हैं 15 अगस्त की, स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। बृहस्पतिवार के दिन दशमी तिथि का योग बन रहा है, धनु में चंद्रमा प्रवेश करेंगे करीब करीब 12:52 पर दोपहर को। इसके साथ साथ इस दिन एक बात का ध्यान रखें, ज्येष्ठा नक्षत्र पड़ रहा है, ज्येष्ठा नक्षत्र एक मूल के अंतर्गत आता है और अगले दिन मूल रहेगा, यानी 15 और 16 तारीख को ज्येष्ठा मूल नक्षत्रों का योग है। जो जातक जन्म ले रहे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि ये मूल शांति अवश्य कराए, अन्यथा बच्चा जो है वो परिवार के लिए और स्वयं के लिए भारी होता है, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। आजकल डिजाइनर चाइल्ड्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चल गया है, बहुत सारे लोग आते हैं कह रहे हैं महाराज अच्छी तिथि पर ऐसा करा दीजिए कि बच्चा की जो डेट ऑफ बर्थ हो बहुत बढ़िया बन जाए, तो बहुत सारे लोग 15 अगस्त की बात सोच लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा 15 अगस्त के दिन इस बार ज्येष्ठा नक्षत्र है मूल नक्षत्र पर जो अंतर्गत आता है जो गणमूल के अंतर्गत, तो यानी ऐसे में जातक के जन्म में तुरंत इस बात का ध्यान रखना होगा कि मूल शांति अवश्य कराई जाए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय आपके लिए अनुकूल है, नए संपर्कों में इजाफा होने के दिखाई देता, थोड़ा सोशल अपने आप को यूटिलाइज करने का प्रयास करें, सामाजिक तौर पे अपने आप को प्रतिष्ठित करने का प्रयास करें। लेकिन शनि महाराज इन दिनों थोड़ी सी आपकी मान प्रतिष्ठा में थोड़ा सा आपको पीछे फेंकते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इस शनि को ओवरकम करना चाहते हैं तो प्रयास कीजिए, प्रयास कर आप सब चीज़ें ठीक कर सकते हैं। ग्रह थोड़ा सा आपके सम्मान में कहीं ना कहीं दाग लगाने का लगातार प्रयास कर रहा है, शनि वक्री चल रहे हैं तो शनि को मनाइए लगातार, इस बात का ध्यान रखें। शनि अभी करीब करीब 9-10 महीने यहीं चलने वाले हैं तो उनका उपाय लगातार आपको करते रहना चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। 16 अगस्त शुक्रवार का अवसर, एकादशी तिथि और विशेष तौर पर उस दिन सूर्य का परिवर्तन का योग बन रहा है, सूर्य संक्रांति है, उस दिन सिंह में सूर्य अपने घर जा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सूर्य एक तो आपको शांत करेंगे, अननेसेसरी जो एग्रेसिवनेस छोटी छोटी बातों पर इन दिनों आपको करीब करीब 30 दिन से परेशान कर रही थी उसमें परिवर्तन आने का योग बनता दिखाई दे रहा है। प्रसन्न रहिएगा, इस वक्त ग्रह योग दिखाते हैं कि जितने आप प्रसन्न जितने आप पॉजिटिव उतने पॉजिटिव रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। एकादशी है, भगवान विष्णु का स्तवन करें, हो सके तो देखिए शास्त्र में कहा जाता है कुछ और ना कर सके तो एकादशी के दिन कम से कम व्रत रखने का प्रयास करें, भगवान विष्णु का पूजन करने का प्रयास करें, समस्त रूप से शुभ होने के योग बनेंगे। शुक्रवार के दिन एकादशी पड़ रही है, भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन, उनका चरणामृत ग्रहण करना, ये सब अद्भुत उपाय हैं, इनको अवश्य करते रहना चाहिए। 17 तारीख का दिन बहुत अद्भुत है, क्षय तिथि है, उस दिन त्रयोदशी क्षय हो जाएगी, द्वादशी उदय तिथि के रूप में विद्यमान है। शनिवार के दिन प्रदोष का योग बन रहा है, त्रयोदशी शाम को होने के कारण से प्रदोष का योग बन गया है, लेकिन अगले दिन सूर्योदय से पहले पहले त्रयोदशी समाप्त होने के कारण से त्रयोदशी क्षय हो गई है। लेकिन ग्रह नक्षत्रों के अनुसार से देखा जाए तो कर्क राशि वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है, शनि महाराज लगातार आपके लिए कुछ ना कुछ प्रश्न परेशानी उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं जो चल रहे हैं इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से अष्टम भाव में। 1.5 वर्ष हो चुका है यहाँ चलते हुए, अभी 1 वर्ष और रहना है ना उन्हें यहाँ पे, और इस वक्त वक्र स्थिति में, तो आप इनका उपाय करें। शनि प्रदोष बड़े देवयोग से पड़ा है तो कोशिश करें शाम को प्रदोष काल में भगवान शंकर का रुद्राभिषेक काले नर्मदेश्वर शिवलिंग के ऊपर या तो तेल से या तिल से या दूध में तिल डालकर या जल में तिल डालकर तिलोदक से यदि इन सब चीज़ों से भगवान का अभिषेक किया जाए और उनका मंत्र है शनो देवी रविष्ट्रया आपो भवंतु पीतये शनो रविष्ट्रवंतुना या रुद्र सूक्त से या रुद्री से, जैसे ही हमारे विवेकानंद आश्रम में तो पूरी व्यवस्था चली रही है, पूरे सावन के महीने में नित्य प्रति रुद्राभिषेक भगवान शाम चल रहा है, आप स्वयं भी उसमें भाग ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा ग्रह नक्षत्रों का जो योग है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शाम को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, चंद्रमा जो है वो आपके लिए उन्नति का योग बनाएंगे, नया पॉजिटिव शाम को पॉजिटिव चेंजेस आने के योग बनेंगे। यदि हम बात करें 18 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये आपके लिए स्थिति अच्छी दिखाई देती है,
कुछ ना कुछ नया इम्प्रूवमेंट, नए विचारों में कोई नई बात, कुछ नई डायरेक्शन, नया दिशा आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि रविवार का दिवस है, भगवान सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा। सूर्य आपकी किस्मत जगाने के लिए बहुत सुंदर तरीके से इस वक्त आपके जन्मपत्री के हिसाब से आपके द्वितीय भाव में वो विराजमान है, और जो आपके लिए किस्मत जगाने के लिए आए हैं एक महीने के लिए, कुछ ना कुछ लाभ लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले नेगेटिव सोचना बंद करें, पॉजिटिव सोचने का प्रयास करें। देखिए ऐसी घटना बन सकती है इस वक्त, जो जैसा सोचोगे जैसा विचार करोगे वो घटना आपके सामने घट जाएगी, तो नेगेटिव मत सोचना, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 19 तारीख सोमवार का अवसर, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये राखी का पर्व है, राखी का सुंदर पर्व है, और साथ साथ कुंभ राशि में चंद्रमा का परिवर्तन भी होने का योग बनेगा। इस दिन श्रावणी भी है, और एक बात और ध्यान रखें, बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति होती है कि इस दिन भद्रा का योग जो है ना वो एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है राखी के ऊपर, उसने करीब करीब 1:30 बजे तक दोपहर को भद्रा रहती दिखाई दे रही है। राखी एक परंपरागत त्यौहार है, भद्रा का दोष श्रावणी में लगता है, श्रावणी कर्म जिसको उपाकर्म कहा जाता है, जिसमें सप्तऋषि का पूजन, जनेऊ इत्यादि परिवर्तन और विशेष तौर पर ये सब उपाकर्म इत्यादि किए जाते हैं, उनके लिए श्रावणी का विशेष निषेध काल कहा गया है कि श्रावणी उपरांत श्रावणी कर्म करना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो श्रावणी के में जो भद्रा के उपरांत करने का नियम है, लेकिन जो राखी है वो एक विशेष तौर पर परंपरागत त्यौहार है, रक्षा सूत्र बांधा जाता है, कम से कम उसमें तो इस बात का विचार जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने भ्रांति उत्पन्न करके लोगों में बहम डाल दिया है, तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके बहम को निवारण करने का प्रयास करते हैं। राखी परंपरागत त्यौहार है, उसमें कोई भद्रा का दोष बिल्कुल नहीं लगता है, ना लगना चाहिए। सत्यव्रत भी इस दिन किया जाएगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से आपको अवश्य भगवान शंकर का स्तवन करना चाहिए। सावन का आखिरी सोमवार पड़ रहा है, यथाशुद्धि भगवान का पूजन करने का प्रयास करें, कल्याण होगा। 20 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर, भाद्रपद महीना आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा की तिथि है, और इस दिन बृहस्पति जो है मृक्षरा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, और ये बृहस्पति का परिवर्तन जो होने जा रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपकी राशि के अनुसार से। ये बृहस्पति मंगल की युति जो है उससे बृहस्पति आगे निकल चुके हैं, मंगल आगे निकल चुके हैं, और ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंजेस आपको लाने के देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। अवश्य एक काम करें, भगवान हनुमान जी का स्तवन करें, नया कल्याण के योग बनते दिखाई देंगे आपको। तो सिलसिलेवार तरीके से ज्योतिष के दृष्टिकोण से तिथियों के हिसाब से आपके लिए ग्रहों का योगा योग क्या है वो आपने समझा। इसके अनुसार से इन सब चीज़ों को समझते हुए भी ज्योतिष के साथ साथ हमको ये भी समझना चाहिए बाकी ग्रहों के साथ साथ आपकी कुंडली में ग्रहों का योगा योग किस प्रकार का है। आपकी विशेष तौर पर ये समझें कि दशाएँ अंतरदशाएँ जो जिस प्रकार से चल रही हैं उनका भी महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है, और उन सब चीज़ों को समझते हुए हमें उनके उपाय समय को ध्यान में रखते हुए करने का प्रयास करना चाहिए। जो राशि के अनुसार से कॉन्सेप्ट है वो विशेष तौर पर गोचर का बहुत प्रत्यक्ष प्रभाव है, क्योंकि आमतौर पर कई लोग विचित्र विडंबना उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं कि गोचर का प्रभाव जो राशियों के अनुसार से ही आएगा। कई लोग इस बात को अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कि नहीं नहीं राशि का प्रभाव कुछ नहीं होता, राशि का प्रभाव ही है सब कुछ, गोचर का दृष्टिकोण देखेंगे किससे, गोचर का प्रभाव राशि के दृष्टिकोण से ही देखने को मिलेगा। लेकिन अब उसमें ये देखने की आवश्यकता होती है कि आपकी राशि या लग्न या कौन सी कुंडली का कौन सा ग्रह किस प्रकार से प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है, और कहाँ से उन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए ज्योतिष को बहुत अच्छे से देखने, कुंडली को बहुत अच्छे से देखने की आवश्यकता है। तो आप अपनी कुंडली को अच्छे समझते हुए देखते हुए चीज़ों को कार्य करने का प्रयास कीजिए। हम समय समय पर आपके समक्ष आते ही रहते हैं और बहुत सारे उपाय बताने का प्रयास करते हैं, और बहुत सारे तिथिवार के अनुसार से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके ऊपर क्या है उसको समझाने का प्रयास करते हैं। और विवेकानंद योगाश्रम इस क्षेत्र में कार्य कर ही रहा है, समय समय पर बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि आश्रम पर चलते ही रहते हैं। भगवती का शिव विग्रह जो यहाँ उपस्थित है मंदिर में, 1947 में मुल्तान से आया हुआ शिव विग्रह, उनके सानिध्य में नित्यपति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है, और आप भी स्वयं हर रविवार को इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। सावन के पूरे महीने में नित्यपति शाम को रुद्राभिषेक चल ही रहा है, आप उसमें भी हमारे साथ उस रुद्राभिषेक के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स आश्रम के फ़ोन नंबर्स आपके समक्ष चलते ही रहते हैं, उन पर आप संपर्क साधेंगे, और जो भी कोई विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उन सब नंबरों के माध्यम से आप आ सकते हैं।